छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 5 करोड़ की लागत से बना मिनी स्टेडियम खिलाड़ियों के काम नहीं आ रहा। नगर पालिका की अनदेखी के चलते महज 5 साल में ही पूरा स्टेडियम कबाड़ होने की कगार पर पहुंच गया है। खिलाड़ी परेशान हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि ध्यान देने को तैयार ही नहीं है। देखिए कैसे खिलाड़ियों की उम्मीदों से हो रहा है खिलवाड़, हमारी इस रिपोर्ट में। नगर पालिका की लापरवाही, खिलाड़ियों पर पड़ रही है भारी। इसमें घास वगैरह किसी चीज की सुविधा नहीं मिल पा रही है, वॉलीबॉल खेलने का कोई सुविधा भी नहीं है, फुटबॉल खिलाड़ियों को साधन नहीं मिल पा रहा है। ये है सूरजपुर में बना मिनी स्टेडियम। नगर पालिका की उदासीनता के चलते ये स्टेडियम महज 5 से 6 साल में ही कबाड़ होता जा रहा है। टाइल्स उखड़ चुके हैं, गेट के आसपास झाड़ियां उग गई हैं, दरवाजे टूट गए हैं, कुछ दरवाजों को तो तोड़ दिया गया है और सामाजिक तत्वों ने चौखट तक उखाड़ फेंके हैं। फर्श जर्जर हो चुका है। स्टेडियम में लगे कांच चकनाचूर होकर यहां वहां बिखरे पड़े हैं। दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और यहां के बाथरूम तो किसी लायक ही नहीं बचे हैं। टाइल्स और प्लेटफॉर्म टूटे पड़े हैं। ना तो खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधा है, ना ही किसी खेल के लिए कोई इंतजाम। ग्राउंड में घास तो नजर ही नहीं आती है। खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसे में साहब खेल कैसे खेलेंगे। जो मिनी स्टेडियम बना है वो क्या है, उसमें घास वगैरह किसी चीज़ की सुविधा नहीं मिल पा रही है और टॉयलेट वगैरह भी टूटी हुई है और हमें सुविधा नहीं मिल पा रहा है। जितने भी हमारे खिलाड़ी भाई हैं सभी को थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस कार्य का समाधान किया जाए और हम खेल प्रेमी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। वॉलीबॉल खेलने का कोई सुविधा भी नहीं है, आपका आपका स्टेज भी थोड़ा ढंग से नहीं बना हुआ है और ना नेट गड़ा हुआ है, तो इससे मतलब खिलाड़ियों के प्रतिभा जो है कम होते जा रही है। इसको बढ़ाने के लिए आप जल्द से जल्द उपाय करिए। हम फुटबॉल खिलाड़ियों को साधन नहीं मिल पा रहा है, जिससे हम लोग सभी खिलाड़ी आज के वहीं रुके हुए हैं और हमारे स्टेडियम का जो स्थिति है वो बहुत बड़ा जर्जर हो गया है, जिसमें हम लोग को खिलाड़ी प्रेमियों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है। मिनी स्टेडियम का हाल देख लिया और खिलाड़ियों की परेशानी तो आपने सुन ली। अब जरा इस पूरी कवायद पर भी नजर डालिए। जब आप नजर डालेंगे तो समझ जाएंगे कि अधिकारी दरअसल कितने लापरवाह हैं। कबाड़ हो चुके इस स्टेडियम का निर्माण साल 2018 में हुआ था। इस स्टेडियम को बनाने में कुल 5 करोड़ की लागत आई थी। 3 से 4 हेक्टेयर में इस पूरे स्टेडियम को बनाया गया है और ऐसा बनाया गया कि महज 5 से 6 साल में ही ये जर्जर हो गया। विस्तार न्यूज ने जब जिम्मेदारों से बात की तो उनका वही सरकारी जवाब मिला कि नगर पालिका के अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। स्टेडियम की मेंटेनेंस की व्यवस्था में जो कमियां होंगी उसको हम दूर करेंगे, साफ सफाई पे ध्यान देंगे और खिलाड़ियों की व्यवस्था में उचित प्रबंध करेंगे। अधिकारी भरोसा तो दिला रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कब तक खिलाड़ियों को उनकी सुविधाएं मिल पाती हैं। ये स्टेडियम फिर से कब सवरता है या फिर करोड़ों रुपए यूं ही बर्बाद होते रहेंगे। अधिकारी तो दावा कर रहे हैं कि वो नगर पालिका से बात करेंगे, लेकिन नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता कब तक बरकरार रहती है यह तो देखने वाली बात होगी। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर।